जय हिंद, स्वागत है आपका इंग्लैंड में। हम हैं अभी यॉर्क सिटी में। यॉर्क को वॉल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बार्कर टावर से दीवार पर चलते चलते ये एक ओल्ड हेरिटेज गेट आ जाता है बीच में। बहुत ही ब्यूटीफुल नेबरहुड है साथ में, और बिल्कुल टिपिकल इंग्लिश एरिया है। इस रिवर का नाम है ऊच रिवर, और यहाँ पर रिवर क्रूजेस भी चलते हैं। यॉर्क मिनिस्टर के लेफ्ट में ही है एक एरिया जहाँ पर दी शैम्बल स्ट्रीट है। आपने हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा कि हैग्रिड हैरी को एक गली में लेके आता है, और वो गली बहुत बिच्छी सी होती है, बहुत अलग सी कुछ गली होती है, वो ओल्ड स्टाइल की। तो वो जो गली है वो इस शैम्बल स्ट्रीट से ही इंस्पायर्ड होके ली गई है। लेकिन वो जो स्ट्रीट है ओरिजिनल, उसकी शूटिंग लंदन में हुई थी, लेकिन इंस्पिरेशन वो इस शैम्बल स्ट्रीट की है। तो चलिए इस एरिया को देखते हैं और शैम्बल स्ट्रीट पर चलते हैं। In a moment, I'm going to jump off the surface ball. Now, I can't jump on the ball with all three good balls. Would you kindly help me just with the one in the middle, the Champions League? When I'm standing up here, could you simply throw me the ball? Okay, here we go. Five balls, one leg, okay, dude. I'm just getting my zed. I'm not having a poo. Don't worry. Here we go. Five balls, one leg, and then the big finale today. Are you ready, Mary? You like it? Yeah, I love it. Okay, here we go. Five balls, one leg, Mary. Oh, Mary. पीछे है शैम्बल स्ट्रीट, जो हैरी पॉटर की एक लोकेशन की इंस्पिरेशन रही है। चलिए देखते हैं। हैरी पॉटर फैंस के लिए थी ये शॉप। सारा कुछ सामान मिल रहा था हैरी पॉटर से, जो भी रिलेटेड है।
Try the gin, Yorkshire gin. How much is a bigger bottle? 29. That's expensive. Why? It's not worth it. It's a 40% gin, so it's not a liqueur, which is why it's frozen on there. Is that good, eh? बॉटल्स ले लिए। कभी भी कुछ ट्राई करो तो कोशिश करें कि ले लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। चाहे छोटी बॉटल ले लो, बड़ी ले लो, या और भी कुछ कहीं भी आप ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें थोड़ा बहुत खरीद लें, देश की और अपनी इज्जत बनी रहती है। शैम्बल्स मार्केट में यहाँ स्ट्रीट पे हमने ब्रंच किया है और अब हम चलेंगे कार में और कार से शहर को देखेंगे। My life is gonna be a beautiful, well, I'm sunshining up this bright. बिल्कुल पराग और ब्रूजिट जैसा फील है यॉर्क सिटी का। अगर आप लंदन आ रहे हैं तो 2 से 2.5 घंटे की ट्रेन है शायद, जो लंदन से डायरेक्ट यहाँ यॉर्क लाती है। और स्टेशन से जो सिटी सेंटर है वो बिल्कुल पास में है, और सिटी सेंटर में आके ये सब अट्रैक्शंस एक ही दिन में घूमे जा सकते हैं। तो अगर आप सुबह जल्दी लंदन से निकलते हैं तो एक ही दिन में लंदन से यॉर्क आके शाम को वापसी लंदन पहुँचा जा सकता है। अगर होटल बुक कराना है तो पार्क इन बाय रेडिसन की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, उसी के आसपास आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी होटल, हॉस्टल या कोई भी एयरबीएनबी जो भी आपको सूटेबल हो आपके बजट के हिसाब से वो बुक करा सकते हैं। थैंक यू। अब थोड़ा सा शहर को कार से देखेंगे चलकर, चलिए साथ।
तो ये था इंग्लैंड का यॉर्क शहर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले शहर में। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।